जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर नाजरीन, ये जी जो मोर के अंडे हैं इसका इनक्यूबेटर बनाया हुआ है, 7 एग्स है मेरे पास। तो इसका ये सिंपल सी मशीन बनाई है, इनक्यूबेटर है ये, साथ में इसका डिवाइस लगा हुआ है। इस वक्त इसका जो टम्परेचर शो हो रहा है ना, इनर जो टम्परेचर 38.3 सेल्सियस का है और ह्यूमिडिटी 62 शो कर रहा है। ये इसका थर्मोस्टेट आ रहा है इसके अंदर है, ये इस इनक्यूबेटर का ये जी मैंने लगाया हुआ है थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर को जो कंट्रोल कर रहा है। 37 पे फिक्स किया हुआ है, 37 से 39 तक इसका ना टेम्परेचर चल रहा है। टोटल 7 एग्ज़ हैं और इनशाला आफ्टर 30 डेज़ ये ना इसकी इनक्यूबेशन है ना, जो हैचिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसका जो भी रिज़ल्ट होगा आपको सामने रखूँगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप भी ट्राई करो। मैं वीडियो यूट्यूब से देख के ये इनक्यूबेटर बनाया था, ये थर्ड टाइम मैं ये ना अंडे से बच्चे निकलवा रहा हूँ, चूजे निकलवा रहा हूँ, तीसरी दफ़ा निकलवा रहा हूँ। पहले इसी बाल्टी में 15 अंडों से निकलवाए थे, उसके बाद बड़ा इनक्यूबेटर मैंने खुद से बनाया, उसमें 60 अंडे रखे थे, और ये जी थर्ड टाइम है, इसमें टोटल 7 एग्स हैं और ये हैं मोर के, कीमती अंडे होते हैं। और इनका जी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी ये बल्ब लगा हुआ है इसके, ये जो ढक्कन है बाल्टी का, ये ऑन हो जाता है जब टेम्परेचर कम होता है। तो ये जी 7 एग्स है, देखिए माशाल्लाह से हेल्दी एग्स हैं। ये बल्ब ऑन इसका हो गया है, ये बल्ब ऑन हो गया है, टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ है। ये जी फैन लगा हुआ है, वो जो कंप्यूटर वाला फ़ैन होता है ना, और ये बल्ब इस तरह से जब आता है तो इसका क्या होता है कि फ़ैन की वजह से ना जो एयर है, हवा है, गर्म हवा पूरे इस मशीन में ना सर्कुलेट करती है, तमाम अंडों को इक्वल मिल रही होती है, हीट जो है ना इक्वल मिल रही होती है। ये इसका थर्मोस्टेट का ये मैंने रखा हुआ है सेंसर है। ये जो अंडे हैं इसके नीचे पानी है ह्यूमिडिटी के लिए ना। अब इनकी मैं साइड चेंज करने लगा हूँ, ये माशाल्लाह से हेल्दी एग्स हैं। आज इनको रखे हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं, जैसे 30 डेज़ कंप्लीट होंगे, 30 डेज़ 29 32 डेज़ में ना ये हैचिंग कंप्लीट होती है मोर के अंडों। ये दोस्तों सिस्टम है, जो भी रिजल्ट होगा इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। ये जी सेटअप है, विशिंग फॉर बेस्ट वन रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने रखूंगा। आपके पास दवाओं की ज़रूरत है, तीसरी टाइम मैंने ये निकलवा रहा हूँ, इससे अंडों से चूजे निकलवा रहा हूँ, और इस दफ़ा ये मोर के रखे हुए हैं अंडे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, पहले का भी बहुत अच्छा रहा है, अब भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो जो भी रिज़ल्ट हो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।